गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू जय हिंद आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड YouTube यूट्यूब चैनल पर आज की क्लास एक नई सीरीज़ है एक नया शुरुआत है एक नई बहुत ही प्यारी सी कोशिश है जो 2024 के लिए आप सभी के लिए की जा रही है मेरे द्वारा जिसके अंदर मेंस के पेपर को बहुत आसान तरीके से बहुत नीचे के लेवल से उठाएंगे और असली लेवल तक लेके जाएंगे हमारी जो शुरुआत होगी वो स्टार्टिंग के बिल्कुल चुनिंदा सवालों के साथ स्टार्टिंग के क्वेश्चन से स्टार्टिंग के लेवल से शुरुआत होगी और हम उसको लेके जाएंगे एस बी मेंस के लेवल तक ठीक है और आप सभी का रुझान और आप सभी का प्यार देख के मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मेंस पढ़ने की जागरूकता जो आप सभी में आई है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है जो आप कर रहे हो इस चीज़ में जो आपको सिलेक्शन की तरफ ईजिली लेके जा सकती है बट एक बात की हमेशा ध्यान रखना कि तैयारी हमेशा एक ब्लेंड होनी चाहिए प्री और मेंस की प्रिपरेशन का ठीक है हमेशा ध्यान रखना मेंस हमको डेप्थ देता है गहराई देता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है बट उसके साथ साथ एक और मेजर चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होती है कैलकुलेशन स्पीड सॉल्विंग स्पीड रिलेटेबिलिटी और आपकी जितनी ज़्यादा आप फेमिलरिटी ये जो होती है कॉन्सेप्ट के साथ और वो स्पीड के साथ करने की आदत आपको प्री दिलवाता है ठीक है तो दोनों को साथ लेके चलना है अकेले प्री से भी सिलेक्शन नहीं होगा और ये बहुत बड़ी बात है कि अकेले मेंस की करते रहे तो प्री में उस लेवल की स्पीड अटेन नहीं होगी जैसी चाहिए ठीक है तो एक बार सारे के सारे बच्चे कन्फर्म करेंगे कि मेरी आवाज़ सभी को अच्छे से आ रही है दिखाई सुनाई परफेक्टली दे रहा हूँ कि नहीं कन्फर्म करेंगे फिर आरम्भ करते हैं आज की इस क्लास का बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छे से आवाज़ आ रही है बहुत अच्छे से सुनाई दिखाई दे रहा हूँ ठीक है आप सभी के सभी इस चैनल पे बने रहना क्योंकि आगे बहुत कुछ ऐसा होने वाला है आज की क्लास आपकी मेंस की है कल की क्लास आपकी डी की होने वाली है डेटा इंटरप्रिटेशन प्री लेवल ठीक है प्री लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है 2023 में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस किए हैं आई ने डी पूछने के तरीके में ठीक है दो में जैसा मैंने दो की शुरुआत में आपको कहा था कि इस साल ऐसी ऐसी डी आपको देखने को मिलेंगी और ऐसी डी आई शुरू में जब मैं करा रहा था प्री के टाइम पे बच्चे कह रहे थे क्यों सर इतनी लेंदी और कैलकुलेटिव करवा रहे हो मैंने कहा था करो आएगी एग्जामिनेशन में जाके बच्चों ने वो रिलेट किया कि सर जो आपने कहा था वही आया इस साल भी कुछ मेजर चेंजेस होंगे हर साल एक खेल होता है एग्जामिनर के सिस्टम को समझना होता है एग्जामिनर किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है उसको समझना होता है एग्जामिनेशन की थॉट प्रोसेस को समझना होता है और वो कैसे समझते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन क्रिएशन एंड पे हैं हम खुद क्वेश्चन बनाते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि एग्जामिनर क्या सोच के वो बनाता है क्या और बना सकता है तो उसी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे ठीक है कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं मैं एक्सपीरियंस से आपको सिखा सकता हूँ और मैं कोई ऐसा नहीं है कि आपने नाम बहुत सुना होगा आशीष अरोड़ा आशीष अरोड़ा ऐसा टीचर है आशीष अरोड़ा ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया अब मैं कहूँगा आशीष अरोड़ा छोड़ो टीचर ही नहीं है आशीष अरोड़ा तो स्टूडेंट है क्योंकि मैं भी रोज़ नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ और टीचर बनना बहुत बड़ी बात है अच्छे स्टूडेंट बन जाए ना वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ठीक है तो आपके अगर बात करें पेपर में तो आपके पेपर के अंदर बच्चे चाहे कोई भी एग्जामिनेशन आप मेंस का दे रहे हैं आपको इन चार चीजों को वहां देखने को मिलेगा एक होंगे वन लाइनर्स वन लाइनर्स के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक आएगी इजी वाली आएगी फिर आप उसका एक दूसरा सेक्शन बना सकते हो जिसको आप एल्जेबरा बोल देते हो इनिक्वालिटीज बोल देते हो और इसी में बहुत थोड़ा सा पार्ट ना के बराबर पार्ट नंबर सिस्टम का ठीक है उसके बाद तीसरी चीज जो आप वहां पे तैयार रहो जिस चीज के लिए वो है एर्थमेटिक और चौथी चीज है डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई ये चार चीजें आपके पेपर में देखने को मिलेंगी ठीक है आपको ये वही सब है जो आप प्री में पढ़ते आयो जो आप प्री में पढ़ते आयो

कुछ कुछ वेरिएबल और कुछ कुछ इक्वेशन कुछ कुछ पोरिनोम देके आपसे इस पूरे सिस्टम से दो या तीन सवाल बनते हैं ठीक है ये आ सकते हैं उसके बाद अरिथमेटिक और डीआई की लगभग लगभग बराबर वेटेज होती है ठीक है किसी एग्जामिनेशन में ज्यादा और किसी एग्जामिने किसी एग्जामिनेशन में डीआई ज्यादा अरिथमेटिक कम आ जाता है किसी में अरिथमेटिक ज्यादा डीआई कम आ जाती है किसी में दोनों लगभग बराबर आती है और यहां से यहां से होते हैं जो थोड़े बहुत फ्री के नंबर हैं सबसे कम समय इधर लगता है उससे थोड़ा सा ज्यादा समय इधर लगता है इन दोनों में एक जैसा समय लगता है ठीक है तो में समय लगेगा, इधर कम समय लगेगा। और अगर एक जैसा समय लगता है। हमने इस पूरे सिस्टम में अपनी ताकत बनानी है हम ना जल्दबाजी करते हैं हम जल्दबाजी किस चीज की करते हैं ये सीखने में पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है सर कोई हमें यह बता दे बस आके हम स्मार्टली पेपर को अटेम्प्ट करें वो वो एक सीक्वेंस है वो एक केस है उस तक भी पहुंचना है बट सबसे पहले हमें इंडिविजुअली इन फोर इन फोर टायर्स को स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले ठीक है आपके जो ये एग्जामिनेशन के फोर टायर्स है ना चार चक्के हैं आपके एग्जामिनेशन के जो मैंने अभी आपके सामने रखे इन चारों को सबसे पहले हमें स्ट्रोंग करना है ठीक है ये आपके पेपर में आता है इनको स्ट्रांग करेंगे सबसे पहले हम बिल्कुल स्ट्रेंथ बिल्डअप करेंगे इसके अंदर हर एक सेक्शन में हाई लेवल एक्सट्रीमली हाई लेवल की एक्यूरेसी और गजब की जितनी बनती है ऐसा नहीं बहुत एक्स्ट्रा स्पीड बट एक अच्छी डिसेंट स्पीड रखनी है जिसमें हमारी कैलकुलेशन और थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होगी स्पीड में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि कितना जल्दी आप सवाल को पढ़ते हो पढ़ के समझते हो पढ़ के समझ के फिर उसको सॉल्व करते हो ठीक है ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं स्पीड में मैं नहीं कहता हूं अब एक स्पीड हो जब मेन्स की बात हो रही हो नहीं एक डिसेंट स्पीड चलेगी शुरू में नहीं होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप होगी शुरू के क्या पता पाँच छः सात दस क्लासेस तक आपकी ये स्पीड ना आए उसके बाद आने लगे बट घूम फिर के सारी बात यह कि आप कितने कंसिस्टेंट हो अब यहाँ पे जो बच्चे ये सेशन देख रहे हैं या देखने वाले हैं इसमें से मात्र दस या बीस परसेंट बच्चे ही ऐसे होंगे जो इस क्लाइसी सीरीज की दसवीं क्लास तक आएंगे क्योंकि उतनी हिम्मत अगर सब में होती तो क्या नेक टू नेक नेक टू नेक बिल्कुल कॉम्पिटिशन ना हो रहा होता नहीं कंपटीशन आके वही रुक जाता है एक सर्टेन लेवल पे कट ऑफ पिछले पांच सालों में कोई ज्यादा मेजर फ्लक्चुएट नहीं हुई है उसी के आसपास है अगर होता इतना जबरदस्त कंपटीशन तो क्या कट ऑफ आसमान नहीं छोरी होती नहीं कट ऑफ वहीं आ जाती है वापस घूम फिर के क्यों क्योंकि सब में इतनी विल पावर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है छोड़ो उसका लाइव एग्जाम्पल यहां देखना ये क्लास तुम अटेंड कर रहे हो इस क्लास पे एक लाख व्यूज आने वाले हैं अभी देखना तुम आज नहीं एक हफ्ते दस दिन बाद तक देखना ठीक है और इसी सीरीज की आप दसवीं या बारहवीं क्लास पे देखना बीस बाईस हजार व्यूज ही रहेंगे ठीक है तो ये खेल है कंसिस्टेंसी का बट मुझे जरूरत भी उन बीस बाईस हजार व्यूज वाले बच्चों की है अब बीस बाईस हजार व्यूज का मतलब ये नहीं होता बीस बाईस हजार बच्चे बीस बाईस हजार व्यूज का मतलब होता है पांच छह हजार बच्चे ठीक है तो वो जो पांच छह हजार बच्चे हैं ना मुझे जरूरत उन्हीं की है क्योंकि उन्हीं की विल पावर है जो उनको सिलेक्शन तक लेके जाएगी ठीक है तो हमने सबसे पहले इनके इंडिविजुअल सेक्शन को स्ट्रांग बनाना

ठीक है चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के लिए तैयार हो बच्चे एकदम अच्छे से शावाश शेरा शाबाश इस सवाल का जवाब आप बताएंगे सबसे पहले बहुत ही प्यार से जल्दी से और आंसर निकालेंगे पी और क्यू के बीच में रिलेशन बताएंगे सबसे पहले सारे बच्चे दीपिका बारह बजे क्लास हो रही है अभी रोज़ चलो जी मैं बताता हूं ध्यान से समझते जाना एकदम फोकस के साथ कि क्या चल क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सही तरीके से लिखें ये कुछ नंबर है ये ठीक बात है उसके बाद सिक्सटीन टाइम्स है, है किसका पी माइनस वन ओवर पी प्लस वन का ठीक है और ये फोर के बराबर है ठीक है अक्सर आपको पहले भी पढ़ाया गया बट पहले की सारी बातें छोड़ के हम एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ये नई शुरुआत जो है वो ये है कि इसको अगर आप देखोगे पी प्लस वन और पी माइनस वन बाई पी माइनस वन है यहां है क्या मैं कह सकता हूं कि इसका रेसिप्रोकल है ये इसका रेसिप्रोकल है क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ इसका रेसिप्रोकल है ये सही बात है तो ऐसा करते हैं ना पी प्लस वन ओवर पी माइनस वन को हम के मान लेते हैं मैंने के मान लिया तो इसका मतलब हो गया कि पी माइनस वन और पी प्लस वन विल के ये भी बात ठीक है बहुत बढ़िया बात है सर ये सिर्फ इसलिए माना ताकि ये खिचड़ी सी जो बनी हुई है ना पी प्लस वन पी माइनस वन ये थोड़ी सी सिमट जाए थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए बहुत लंबा चौड़ा सा बन जाएगा ठीक है इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया वन बाय फोर इन के प्लस सिक्सटीन टाइम्स ऑफ वन बाय के ठीक है ऐसा हो गया एंड दिस इज इक्वल टू फोर इक्वेशन बहुत सिमटती हुई प्यार से क्योंकि ये बन गया के बाय फोर प्लस सिक्सटीन बाय के इज इक्वल टू फोर आप फोर के एल्सियम ले लोगे यू विल सी की के स्क्वायर इधर क्या हो रहा है के का चार गुना है तो ये सिक्सटी फोर बन जाएगी वैल्यू इज इक्वल टू फोर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो के स्क्वायर माइनस सोलह के इज इक्वल टू

ये बन गया कुछ ऐसा और p बन गया नाइन बाय सेवन तो p की एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है एक ही वैल्यू आ रही है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है प्लस का नाइन बाय सेवन अमेजिंग और मैं इस क्वेश्चन को इसके बाद सॉल्व ही नहीं करूंगा रीजन पता क्या है क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है और मेरे को आंसर दिखाई दे रहा है कि पी विल बी ग्रेटर देन क्यू सीधा आंसर आ रहा है इसके पॉइंट के बाद मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा ये क्रिएटिविटी है अगर इस लेवल की क्रिएटिविटी आएगी तो तुम्हारी स्पीड पता क्या है दस दस पंद्रह पंद्रह सेकंड बचा के कोई एक से दो क्वेश्चन में और सिलेक्शन ले जाता है पेपर सपना कैसे आया मुझे दिख रहा है कि पी की वैल्यू नाइन बाय सेवन आ रही है पी की वैल्यू क्या आ गई नाइन बाय सेवन नाइन बाय सेवन से ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है कि पी की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है सही बात है जबकि अगर आप देखोगे क्यू क्यूब प्लस फोर क्यू स्क्वा क्यू इक्वल्स टू जीरो है अगर देखो क्यू कॉमन आ रहा है इसमें से और ये बन रहा है क्यूब स्क्स फोर क्यू प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो तो ये बन रही है इक्वेशन तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है इधर q इज इक्वल टू जीरो या फिर दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो तो क्यू की एक वैल्यू तो जीरो आ जाएगी और जब यह दिखाई दे रही है कि इसको जब मैं जीरो से इक्वेट करूंगा तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे तो इस इक्वेशन की एक वैल्यू जीरो और दो वैल्यू नेगेटिव आएंगी जीरो से बड़ा होता है पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से भी बड़ी होती है पॉजिटिव वैल्यू सो ऑब्वियसली पी विल बी ग्रेटर देन क्यू ऐसे देखते ही हो जाना चाहिए यह भी एक टाइप है क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चन मीन्स में देखे जाते हैं ठीक है ठीक है समझ गए और आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके रूट ऐसे बड़ी चीज नहीं है जब आप इसको इक्वेट करोगे जीरो से ठीक है सारा खेल फर्स्ट वाला था फर्स्ट वाला बहुत आसान था एक बार क्विक बता देता हूं दोबारा से इस वैल्यू को इस वैल्यू को मैंने के मान लिया इस वैल्यू को के मान लिया ये इस वैल्यू का रेसिप्रोकल उल्टा कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी तो ये वैल्यू अपने आप वन बाय के हो गई ठीक है जैसे ही मैंने इसको के और इसको वन बाय के पुट किया तो ऐसी इक्वेशन बन गई आप सभी के सामने और इससे हमें पता लग गया कि हमारी के की वैल्यू जो आ रही है आठ आ रही है के की वैल्यू जो आठ आई उसको मैंने इक्वेट कर दिया के की वैल्यू जो आठ आई के को ये मैंने ये माना था ना ये के था इसको मैंने आठ से इक्वेट किया तो पी की वैल्यू आ गई नाइन बाई सेवन पी की एक पॉजिटिव वैल्यू है क्यू की वैल्यू है जीरो माइनस थ्री माइनस वन जीरो से भी बड़ी है वैल्यू माइनस थ्री से भी बड़ी है वैल्यू माइनस वन से भी बड़ी है वैल्यू तो पी विल भी ग्रेटर देन क्यू सो ब्यूटिफुल क्वेश्चन ब्यूटीफुल शुरुआत पहला सवाल बहुत अच्छा काफी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला अगला क्वेश्चन आपका इंतजार करते हुए जरा इसकी कोशिश तो करो आंसर बताने में कोशिश एक भरपूर कोशिश और कुछ नहीं चाह रहा मैं आपसे एक अच्छी सी कोशिश विवेक हाँ और डिविडेंडो कह सकते हो तुम इसको रुको फाइल रिप्लेस नहीं हुई क्या ये प्लस वन है इसको प्लस वन कर लेना ठीक है ये माइनस वन है ये प्लस वन है ठीक है छोटी सी चीज ठीक कर लेना है। आपने बताना है इन चारों में से क्या चीज सही है क्या चीज गलत है ड्रीमर जल्दी आएंगी भैया वो टॉपिक भी जल्दी आएंगे बट सामने वाले की कदर करोगे तभी जल्दी आएंगे अब सामने जो लिखा गया अगर हम उसको ही नहीं सही पढ़ रहे समझ रहे मुझे, एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, कितना, कितने बच्चों का आंसर आ रहा है क्वेश्चन का इफ द रूट्स ऑफ इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसी टू ईच अदर इफ द रूट ऑफ ठीक है तो चलिए देखते हैं समझते हैं समझते क्या चल रहा है सवाल सवाल के अंदर सवाल में क्या चल रहा है समझते हैं ये क्वेश्चन है देखना ध्यान से क्या हो रहा है इस सवाल में आपको पता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वास प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इसने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्या कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ये कर दिया थोड़ा सा चेंज कर दिया इधर x a की जगह a प्लस वन लिख दिया c की जगह c प्लस नाइन लिख दिया ठीक बात है बढ़िया बात है बट मेरे को एक बात बताओ समझदार बच्चे हो आप समझदार बच्चे हो आप जब एक रूट दूसरे का रेसी प्रोकल है मान लो एक रूट एम है और दूसरा रूट उसका रेसी प्रोकल है यानी कि वन बाय है या फिर एक रूट जो है के बाय पी है और दूसरा रूट पी बाय के है एक रूट ए बाय है और दूसरा रूट एम बाय ये भी एक केस ऑफ रेसिप्रोकल है ये भी एक केस ऑफ रेसी भी एक केस ऑफ है रूट्स अगर ऐसे हैं तो इन सब में क्या चीज कॉमन है इन सब में ये चीज कॉमन है कि जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे तो आपको वन मिलेगा जब एक रूट दूसरे का रेसी प्रोकल होता है तब आप जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हो तो आपको वन मिलता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता है एक रूट को दूसरे रूट से गुना कर दिया अगर पहला रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है या दूसरा रूट पहले रूट का रेसिप्रोकल है अगर वो आपस में रेसिप्रोकल हैं वाला है छोटी सी, है सी बात है तो हम कह सकते हैं कि इस पहली लाइन का जो मतलब है रेसिप्रोकल टू अदर रहे इससे बस वो ये कहना चाहता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल इक्वल टू वन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं हम करके, करके, करके निकालते हैं ठीक है? मीन्स हमें ये पता लग गया क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो सी प्लस नाइन विल बी इक्वल टू ए प्लस वन सी प्लस नाइन विल भी इक्वल टू ए प्लस वन मुझे ये पता लग गया ये कह रहा है सी प्लस नाइन इज इक्वल टू ए प्लस वन की पावर माइनस वन ए प्लस वन की पावर माइनस वन मतलब ये तो नीचे चला जाएगा वन बाई ए प्लस वन हो जाएगा तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ए प्लस वन इज इक्वल टू सी प्लस नाइन की पावर प्लस वन हाँ प्लस वन चलेगा प्लस वन तो कुछ भी नहीं होता ना भी हो तो चलेगा एक ही बात है सबकी पावर वन तो होती ही है तो ए प्लस वन इज इक्वल टू सी प्लस नाइन यही लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है मतलब ये करेक्ट है ये करेक्ट है उसके बाद बीज इक्वल टू ए प्लस वन इंटू सी प्लस नाइन नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते हम ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते a पर क्यों ये भी नहीं कह सकते हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते अब कई बच्चे इसका आंसर ना जल्दी जल्दी में बता क्या लिख देंगे ओनली टू और ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा ओनली टू मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे बट ये भूल जाएंगे कि उसने पूछा क्या है उसने पूछा इनमें से फॉल्स क्या क्या है इसमें से असत्य क्या क्या है असत्य क्या है तो असत्य है आंसर विल बी वन थ्री एंड फोर आर फॉल्स है ना बिल्कुल ज्यादा मुश्किल लेवल नहीं लेके आ रहा क्योंकि बेसिक से उठा रहा हूं बेसिक से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे अभी तक हमने दो सवाल किए दो सवाल किए हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं था एक बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग एप्टीट्यूड था और कुछ भी नहीं बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग कुछ भी बड़ी चीज नहीं थी इस सवाल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था जो आपको ना पढ़ाया गया क्योंकि क्योंकि आपको पढ़ाया गया अगर आपने दो दिन पहले सैटरडे संडे को कुछ वीडियोस अपलोड हुई थी अगर आपने उसके अंदर है, plus BX plus C इसके अगर दो रूट एन तो हम जानते हैं कि एम प्लस एन अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा माइनस बी ए करूंगा और अगर मुझे एम इन टू एन निकालना है तो मैं यहां पे सी बा ए करूंगा ये छोटी सी दो बातें होती हैं इसकी ठीक है और अगर कोई मुझे बोल दे कि आपके दो रूट एंड एन आप इसे इक्वेशन फॉर्म करके दिखाओ तो इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन एक्स प्लस एम इन टू एन इक्वल्स टू जीरो ना ये ध्यान रखना हमेशा से दिव्यांश उसका जो ऑफर टाइम ही खत्म हो गया ना उसका तो ऑफर टाइम ही खत्म हो गया तो ये बहुत जरूरी चीज थी और इसी जरूरी चीज के साथ एक और प्यारा सा सवाल कहते मिसिंग टर्म इस में कह रहा है ए इज द मिसिंग टर्म गिवन बिलो सो फाइंड द मिनिमम पॉसिबल इंटीजर बी सच दैट ए प्लस बी इज अ पॉजिटिव नंबर इरिलेवेंट सवाल है फ्रेंड्स 44 444 आपका ये इरिलेवेंट सवाल है कोई नंबर डिसेंट नहीं होते हैं लेवल के हिसाब से नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं लेवल के हिसाब से नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं आंसर नहीं आया पर आपका इस सोशल क्वेश्चन का मैं तो सोच रहा था इस सवाल का आंसर तो दौड़ के भाग के लेके आओगे आप बट आप तो लेके ही नहीं आए ए क्या आंसर है सबसे पहली बात इस इक्वेशन को सॉल्व करना ऐतिहासिक पैटर्न है ये बहुत प्यारा सा पैटर्न है बहुत बार एग्जामिनेशन में यूज हो रहा है यहां पे देख रहे हो आप नंबर फिफ्टी परसेंट हो रहा है आधा हो रहा है फिफ्टी परसेंट हो रहा है यहां देख रहे हो सेवेंटी फाइव फोर जो थ्री हंड्रेड होता है मतलब टेन परसेंट का चार गुना मतलब फोर्टी परसेंट हो रहा है थर्टी थ्री जो नाइनटी होता है तो यहां थर्टी परसेंट हो रहा है फिफ्टी परसेंट फोर्टी परसेंट थर्टी परसेंट तो इधर होगा ट्वेंटी परसेंट मीन्स यहां पे वैल्यू आएगी अट्ठारह और इधर होगा अठारह का दस परसेंट यानी कि यहां पे वैल्यू आएगी वन पॉइंट एट ठीक है तो ए की वैल्यू आ गई अठारह ए की वैल्यू आ गई अठारह क्वेश्चन अभी ये नहीं है हमारा कि ए की वैल्यू क्या है हमसे पूछा गया बी की वैल्यू क्या है हमें कह रहा है वो अट्ठारह प्लस बी अठारह प्लस बी यह वैल्यू जो है ना दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए पॉजिटिव मतलब, होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए तो उसके लिए कह रहा है कि इसकी क्या मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है इसकी क्या मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है बताओ क्या पॉसिबल है बी का वैल्यू बताओ क्या आएगी सारी क्लास मुझे पता था ये ऐतिहासिक गलती करेगी करेगी इसलिए मैं सवाल लेके आया था ये वाला तुम बोल देते हो मिनिमम वैल्यू जीरो पॉसिबल है ठीक है सवाल में एक बहुत प्यारा सा वर्ड लिखा हुआ है मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर जो तुम नाच नाच के मुझे जीरो बता रहे हो जीरो इज नीदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव नंबर नीदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव इंटीजर होता है जीरो द आंसर इज वन द आंसर इज वन क्योंकि मिनिमम मिनिमम में तो क्या है नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती है नेगेटिव नहीं चाहिए अपने को पॉजिटिव चाहिए अब पॉजिटिव में पॉइंट जीरो 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 वन पॉइंट जीरो 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 टू ऐसी वैल्यूज भी तो पॉसिबल है बट वो ऐसा नहीं कह रहा वो बोल रहा है इंटीजर ही चाहिए तो सबसे छोटा इंटीजर जो इधर जोड़ा जाए ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव रहे तो वन आएगी वो वैल्यू ये होती है प्रॉब्लम तुम छोटी छोटी गलतियां ऐसी करते हो जो एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें ऐसी गलतियों का साक्ष्य दिखाता हूँ ठीक है तुम अभी तुमने ये सॉल्व किया ना मैं तुम्हें अभी ऐसी ऐसी और चीज़ें दिखाता हूँ तुम्हारा मैं दिखाता हूँ कि तुम तुमको मैं एक्चुअल लेवल दिखाऊँ एग्जामिनेशन का मतलब एग्जामिनेशन के लेवल तक तो हम धीरे धीरे पहुंचेंगे बट एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें मैं एक बहुत प्यारा सा सवाल है मैंने कहा था ना बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स लेके आऊंगा आप सभी के लिए मैं आपको सीखने में काम करने में बड़ा मजा आएगा एक क्वेश्चन है इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदी में लिखा हुआ है और ऑप्शंस है कोई लेंथ नहीं है क्वेश्चन की ज्यादा बट ये मैं कह सकता हूं कि ये हर एक पेपर में आ सकता है ये आरआरबी क्लर्क में, आरआरबी पीओ में एसबीआई पीओ मेंस तक में ये सवाल आ सकता है तुम्हारे लिए हर एक पेपर में ये सवाल आ सकता है कोशिश करो इसको करने की हर एक पेपर में यह सवाल आ सकता है अर्पित बहुत बढ़िया बात है ना समझ नहीं आया तो समझने के लिए तो है उसने एक सिंपल सी बात पूछी थी उसके अंदर कि ए की वैल्यू तो आपकी अठारह आ चुकी है कहता है पॉजिटिव नंबर होना चाहिए मैंने कहा ठीक है कहता उसके लिए बी की क्या मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू आप ऐड करोगे बी की क्या मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कम से कम वैल्यू क्या रख सकते हो बी की तो बी की वैल्यू कम से कम तो नेगेटिव भी रख सकते हैं उसने कहा पॉजिटिव रखनी है ठीक है पॉजिटिव रखनी है उसके बाद पॉजिटिव रखनी है एंटीजर रखनी है कई बच्चे जीरो रख के बैठे थे जीरो तो पॉजिटिव होता ही नहीं है जीरो तो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है तो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू जो बी की जगह पर रखी जा सकती है वो होगी प्लस वन ये पूछ रहा था वो सर पहली बार मेंस की क्लास कर रहा हूं इसमें तो प्री से भी ज्यादा मजा आता है और मैं रिटर्न आपको बता रहा हूं क्लास में एक आध क्वेश्चन एक आध बच्चे से ज्यादा और ये क्वेश्चन का दम नहीं है कुछ कि भाई मैं तुम्हें कह रहा हूं कि बहुत ही मुश्किल सवाल दे दिया ना कोई मुश्किल सवाल नहीं है ये दम ही नहीं है सवाल में बट यहां पे क्लास में इसको वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसकी वो लेवल की एनालिटिकल थिंकिंग है उस लेवल की थॉट प्रोसेस है वही इस सवाल को अटेम्प्ट कर पाएगा वही बच्चा इस सवाल को अटेम्प्ट कर पाएगा जिसकी वो थॉट प्रोसेस है क्वेश्चन में दम नहीं है बिल्कुल भी इतनी सी जगह में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन चलो अब मेरी बारी है मैं करके दिखाता हूं कहते पार्टनरशिप की इनिशियल इन्वेस्टमेंट चौबीस हजार रुपए और चालीस हजार रुपए रखी ठीक है उन्होंने डिसाइड किया सबसे पहले कि हम अपना पैसा अपने प्रॉफिट की रेशो में बांटेंगे बट एक साल बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना पैसा तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया और जो तीसरा हिस्सा था वो वाई को उधार दे दिया 37.5 परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जिसमें से एल ने रिसीव किए 44,000 फोर थाउजेंड रुपीज वाई से एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर फाइंड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज एल और जेड को किस रेशियो में पैसा मिलने वाला था एल और जेड को किस रेशो में पैसा मिलने वाला था एल एंड जेड ठीक है हम देख रहे चौबीस हजार चालीस हजार की क्या रेशो होती है आठ हजार से काटोगे तीन पांच की रेशो आएगी ना तीन पांच की रेशो आएगी ना तो एल और जेड को तीन पांच की रेशो में मिलने वाला था बट इन्होंने बाद में क्या डिसाइड किया बाद में डिसाइड किया कि यार एल जेड तो ठीक है एक थर्ड हिस्सा और करेंगे इसका तीसरा हिस्सा और करेंगे तीन हिस्सों में बांटेंगे ठीक है और तीन बराबर हिस्सों में बांटेंगे सही बात है पहले ये इसमें बांटने वाले थे फिर इन्होंने ऐसे बांट दिया बराबर तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया पहले ऐसे बांटने वाले थे अब तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया ठीक है अब जो टोटल प्रॉफिट है वो थोड़ी ना बदलेगा यहां पे आठ पार्ट्स में बांटने वाले थे आप यहां तीन पार्ट्स में बांटने वाले थे कोई ऐसा नंबर मान लो ना प्रॉफिट का जो आठ और तीन दोनों से कट जाता हो तो मैंने क्या कर लिया चौबीस एक्स का प्रॉफिट मान लिया मैंने मान लिया कि चौबिस एक्स का प्रॉफिट हुआ होगा एक्स का प्रॉफिट हुआ होगा जो ये पहले थ्री फाइव की रेशियो में बांटने वाले थे यानी कि एक्स, एक्स बांटने वाले थे बट अब इन्होंने 1 तु 1 तु 1 तु 1 इस रेशियो में बांट लिया एट एक्स एट एक्स एट एक्स बांट लिया सही बात है बहुत सही बात है अब उसके बाद जो ये तीसरा हिस्सा इन्होंने निकाला ना इस तीसरे हिस्से को थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट पे इन्वेस्ट कर दिया सो ये 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 जो 8X था ये 8X, ये अब 8X ना के कि अब कितना दैट्स द चैलेंज इतना क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेता जिसका थोड़ा बहुत दिमाग चलता है अब एल और जेड को मिलेगा कितना कितना एक बात बताओ एक बात बताओ इसको नाइन एक्स मिलने वाला था पर मिला एट एक्स नाइन एक्स मिलने वाला था मिला एट एक्स तो इधर एक्स का नुकसान हो गया इसको फिफ्टीन एक्स मिलने वाला था इसको मिला एट एक्स इसका 7x एक्स का नुकसान हो गया इसका जिस रेशो में नुकसान हुआ इसको एक्स कम मिला इसको 7x एक्स कम मिला इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि ये जो एटेक्स है कैसे बना होगा इस बंदे ने अपनी तरफ से एक्स निकाल के दिया होगा और इस बंदे ने अपनी तरफ से 7X निकाल के दिया होगा जा इन्वेस्ट कर ले इनको देखो एक्स मिलने वाला था एट एक्स लिया मतलब अपने पैसों में से एक्स रुपीज निकाल के इन्वेस्ट कर दिए इसको फिफ्टीन एक्स मिलने वाला था उसमें से इसने एट एक्स ही रखा सेवन एक्स अपने पैसों में से निकाल के इन्वेस्ट कर दिया मतलब एक तरीके से इन दोनों ने जो ये यहां पे इन्वेस्टमेंट की थी वो की थी एक्स टू सेवन एक्सन सेवन की, की रेशो में वन सेवन की रेशो में इन्वेस्टमेंट की थी जो ये बाद में थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट बड़ी है तो एल और जेड ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो वन एस टू सेवन की रेशो में की थी तो अब जो ये इलेवन एक्स आ रहा है ना सामने से वो अब जो इलेवन एक्स आ रहा है इसके आठ हिस्से होंगे वन प्लस सेवन आठ हिस्से होंगे आठ हिस्से होंगे जिसमें से सबसे पहले आठ हिस्से होंगे कितने-कितने के आठ हिस्से होंगे 11x/8 11x के आठ हिस्से होंगे सही बात है जिसमें से एक हिस्सा इसको मिलेगा और सात हिस्से इसको मिलेंगे ऐसा खेल बनना चाहिए इन 11x के साथ ऐसा होना चाहिए सही बात है बट कह रहे कि l को 44000 मिले ये l है ना l को 44000 मिले l को कितने मिले 11x/8 तो इसकी वैल्यू आ गई फोर्टी फोर थाउजेंड ग्यारह का चार हजार गुना एक्स की वैल्यू बत्तीस हजार आ गई बत्तीस हजार एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बत्तीस हजार हमने क्या निकालना है हमने निकालना है ट्वेंटी फोर एक्स का टोटल प्रॉफिट हुआ था ट्वेंटी फोर एक्स की वैल्यू आ गई ट्वेंटी फोर इंटू थर्टी टू थाउजेंड दिस इज योर आंसर कितना आ गया चौबीस तीस बहत्तर चौबीस दोन अड़तालीस तो सात सौ बीस प्लस अड़तालीस एट सात लाख अड़सठ हजार सात लाख अड़सठ हजार रुपए आंसर आ गया सेवन पॉइंट सिक्स एट लैक्स आंसर आ गया सेवन पॉइंट सिक्स एट लैक्स जितने बच्चों का आंसर आया उनको मेरी तरफ से जोरदार पीठ पे थप थपा देता हूं मैं। ऐसे। अब ऐसा नहीं है कि कोई सवाल में कोई बड़ी रॉकेट साइंस लग गई नहीं सवाल में कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगी एक छोटी सी कॉमन सेंस लग गई बस सवाल में और कुछ भी नहीं एक छोटी सी कॉमन सेंस कि ये जो पैसा निकाला वो इन्होंने अपने पास से ही निकाला ये जो पैसा निकाला इन्होंने अपने पास से ही निकाला है अपने पास से ही निकाला है तो भैया मिलेगा भी अपने पास से ही बत्तीस <laughs> हजार तक तो आ गया था सर दोबारा सुन लो एक बार दोबारा सुन लो शुरू में

3 से भी कट जाता हो और तीन प्लस आठ आठ से भी कट जाता हो तीन प्लस पांच आठ से भी कट जाए और तीन से भी कट जाए ऐसा कोई नंबर जो आठ और तीन दोनों से कट जाए वो होता है चौबीस तो एक्स मान लिया टोटल प्रॉफिट जो है, 24x है। तो 24x, अगर ये इन सब चक्करों के बिना बांटते तो नाइन एक्स और फिफ्टीन एक्स लेते पर अब इन्होंने चौबिस एक्स में से एट एक्स एट एक्स एट एक्स के तीन हिस्से कर लिए सबसे बड़ी बात थी इस बात को कौन सही से डी करेगा ठीक है सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बात को कौन सही से डी करेगा तो अब इस बात को डिकोड करने का तरीका यह है इस बात को डिकोड करने का तरीका यह है कि L को मिलने चाहिए थे 9x, पर L को मिले हैं 8x, और Z को मिलने चाहिए थे 15x, पर मिले हैं 8x. तो इसने 9x ना लेके 8x लिया इसने 9x ना लेके 8x लिया क्योंकि इसने x इन्वेस्ट कर दिया आगे x इन्वेस्ट कर दिया ना आगे इसने इसने, इसने अपना x निकाल के इन्वेस्ट कर दिया सिंपल सी बात है ठीक है इसने 15x लेना था इसने 15x ना लेके सिर्फ 8x लिया बाकी बचा हुआ 7x इसने इन्वेस्ट कर दिया जो x plus 7x मिलके तीसरा हिस्सा बन गया 8x और इस 8x को 3/8 पे इंक्रीज कर दिया तुमने का का इंक्रीज इंक्रीज हो हो गया मतलब हो गया 11x बन गया मतलब बन तो ये ये जो 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 है है ना वही पैसा बना अमाउंट तो बट किस रेशो में रिसीव करेंगे जिस रेशो में इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा यानी कि वन रिसीव टू सेवन की रेशो में रिसीव करेंगे इलेवन एक्स को हमने वन एस टू सेवन की रेशियो में ब्रेक किया तो सबसे पहले इलेवन एक्स के आठ हिस्से करूंगा वन प्लस एक्स ठीक है इस इलेवन एक्स के मैं क्या करूं? इन करूंगा की रेशियो में निवेश किया है ना तो सबसे पहले मैं इनके आठ हिस्से करूंगा ठीक है उसमें से एक हिस्सा पहले वाले को दे दूंगा इलेवन एक्स बाई एट इंटू वन और ये आठ हिस्सों में से सात हिस्से इसको मिलेंगे ठीक है हमको इसकी वैल्यू दी हुई थी हमको इसकी वैल्यू दी हुई थी इलेवन एस बाई एट की वैल्यू फोर्टी फोर से एक्स की वैल्यू आ गई थर्टी टू थाउजंड एक्स की वैल्यू थर्टी टू थाउजेंड आई तो ट्वेंटी फोर इंटू एक्स ट्वेंटी फोर इंटू थर्टी टू थाउजेंड जो बच्चे सीखने आए हैं आज बहुत कुछ लेके जाएंगे और जो बच्चे सिर्फ मस्ती मारने आए हैं कोई बात नहीं मस्ती भी पूरी हो जाएगी तुम्हारी लो सवाल बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो बेसिक वाले सवाल है ऐसा नहीं एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है एक एक सवाल दिमाग में बिठाऊंगा मुश्किल नहीं है सीखने आयो सीख के जाओ हां जी प्रीति बिल्कुल बच्चों के डाउट सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है बच्चों के डाउट सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है बच्चा कहता है कि सर टू ईयर्स टू ईयर्स कहां से टू इयर्स का क्या हुआ सर टू इयर्स का क्या हुआ मेरे भाई मेरे प्यारे प्यारे मेरे भाई पैसा निवेश किया ये बांटने की बजाय ये बांट लिया एक साल बाद बिजनेस तो खत्म हो गया उस दिन उस एक साल में बिजनेस खत्म हो गया एक साल में बिजनेस खत्म होने के बाद इस ए को फर्दर एक साल के लिए इन्वेस्टेड रखा जिसमें से पैसा लिया इन्होंने समझ रहे हो मेरी बात को इसका पूरा हरारकी समझो कि चल क्या रहा है करो ये क्वेश्चन करो नौ और पंद्रह कैसे आया चौबीस को थ्री टू फाइव की रेशियो में ब्रेक किया कुछ भी एज्यूम कर सकते थे चौबीस का कोई मर्जी मल्टीपल एज्यूम कर लो अपनी तरफ से एक प्यारी सी कोशिश तो करो इस सवाल को सॉल्व करने की सबसे पहली बात मेरे प्यारे प्यारे नालायकों आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो हर साल वही सेम इंटरेस्ट देता है एक बहुत ही सिंपल तरह का इंटरेस्ट होता है हर साल प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट वही साल प्रिंसिपल का रेट निकाला रेट इन सर्टिंग रेट इज सर्टिंग परसेंटेज कोई सर्टेन परसेंटेज है प्रिंसिपल की वो परसेंटेज निकाली पहले साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल की वही परसेंटेज निकाली दूसरे साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल की वही परसेंटेज निकाली तीसरे साल का इंटरेस्ट हर साल सेम इंटरेस्ट बट कंपाउंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो कहता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लूंगा मैं प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लूंगा ही लूंगा पिछले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लूंगा कंपाउंड थोड़ा सा अलग चलता है ठीक है थोड़ा सा हटके चलता है सिंपल इंटरेस्ट इसीलिए सिंपल कहा जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट को सक्सेसिव इंक्रीज कहा जाता है क्योंकि प्रिंसिपल पहले साल एक सर्टेन वैल्यू से बढ़ता है और जो एक साल बाद नई वैल्यू आती है ना उसको हम अगले साल जो एक साल बाद का अमाउंट होता है उसको हम दूसरे साल का प्रिंसिपल मान लेते हैं तो वही फिर दोबारा से अगले साल उतने ही परसेंटेज से बढ़ता है फिर ये नई वैल्यू कुछ पर उतने ही परसेंटेज से अगले साल फिर बढ़ती है फिर वो उतने ही परसेंटेज से अगले साल फिर बढ़ती है वैल्यू इसलिए इसको सक्सेसिव इंक्रीज बोल दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट तो कहते हैं कि एक पर्सन ने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में पैसा इन्वेस्ट किया सिक्स पी इन्वेस्ट किए इसने भाई ने सिक्स किए और सिक्स पी कितने बन गए तो कितना इंटरेस्ट आ गया इंटरेस्ट आ गया सिक्स पॉइंट सिक्स का इंटरेस्ट आ गया सिक्स पॉइंट सिक्स छियासठ बटे दस का इंटरेस्ट आ गया कितने पे सिक्स पी पे ऐसा हो रहा है सिक्स पॉइंट सिक्स पी का इंटरेस्ट आ गया सिक्स पी पे तो हंड्रेड पे कितना ऐसा चल रहा है ऐसा चल रहा है तो पी से पी खत्म छ से ग्यारह बार खत्म जीरो से जीरो खत्म तो एक सौ दस परसेंट का इंटरेस्ट आ गया टोटल एक सौ दस परसेंट का इंटरेस्ट आ गया बट हम जानते हैं कि हर साल वो सेम आता है हर साल वो सेम आता है हर साल हर साल वो सेम आता है सिंपल इंटरेस्ट की तो कहानी यही है ना हर साल सेम आता है अगर पांच सालों में आया है वन जीरो रोसेंट एक सौ दस परसेंट अगर पांच सालों में आया तो एक साल में कितना आ गया होगा एक साल में आ गया होगा ट्वेंटी टू परसेंट और अगर एक साल में ट्वेंटी टू परसेंट आ गया सवाल में क्या लिखा हुआ है सवाल में लिखा हुआ है आर 3 आर 3 की वैल्यू कितनी आ गई बाईस परसेंट तो आर की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी फाइव परसेंट पहले तो लाइव चैट में भर देंगे कि इतनी बात मुझे क्लियर है या नहीं है इतनी बात क्लियर है कि नहीं है आर की वैल्यू ट्वेंटी फाइव आ गई इतनी बात क्लियर है हर एक बच्चे को बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार आर की वैल्यू ट्वेंटी अब क्वेश्चन की आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन में कहा गया कि एक ने इन्वेस्ट किए स्कीम के में जो सिंपल इंटरेस्ट ऑफर करता था आर माइनस थ्री परसेंट पे जिससे नई कहानी शुरू कर रहा है वो यहां पे कहता है, in है शुरू में इन्वेस्ट किया था ना उसका सिक्सटी परसेंट तो वो उठा के डोनेट कर देता है ठीक है सिक्सटी परसेंट ऑफ वर्ट इन्वेस्ट डोनेट और बाकी बचा हुआ चालीस परसेंट बाकी बचा हुआ चालीस परसेंट वो इन्वेस्ट करता है स्कीम क्यू में अब कोई नई स्कीम आ गई स्कीम क्यू तीन साल के लिए इन्वेस्ट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है उस पर टू आर परसेंट का मिलता है फिर कहता है जो सिंपल इंटरेस्ट उसको मिला था ना वो सिंपल इंटरेस्ट फोर्टी फाइव हंड्रेड ज्यादा था उस कंपाउंड इंटरेस्ट से तो पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ था स्कीम के में इसकी बात कर रहे हैं हम ठीक है चलिए समझते हैं पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ था स्कीम के में हम मान लेते हैं ना पी सब छोड़ो पीपी वगैरह जो भी था वो छोड़ो आप एक सिंपल सी बात बताओ अगर मैं मैं यहां यहां पे पे अगर मैं यहाँ पे कर लूं कि पी की वैल्यू जो है वो हंड्रेड है पी की वैल्यू मैं एज्यूम कर लू कि पी की वैल्यू जो है ना हंड्रेड हंड्रेड एम है ये हमारा प्रिंसिपल था ठीक है इस इसपे पांच सालों में कितना इंटरेस्ट आ गया था एक यानी कि मेरा इंटरेस्ट आ गया था एक सौ पहले बार का ये केस समझ में आ गया सबको उसके बाद सेकेंड केस वो क्या बोलता है सेकेंड केस वो बोलता है कि वन जीरो हंड्रेड एम में से हमने जो सिक्सटी परसेंट था वो तो कर दिया डोनेट दिस पार्ट इज नाउ डोनेटेड ये तो डोनेशन का हिस्सा बन चुका है इसके इधर से तो कुछ मिलेगा नहीं ये तो पैसा गया ठीक है बाकी बचा हुआ फोर्टी परसेंट बाकी बचा हुआ फोर्टी परसेंट यानी कि फोर्टी एम के साथ क्या होने वाला है उस फोर्टी एम को हम क्या करेंगे उस फोर्टी एम को हम इन्वेस्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे तीन सालों में हम यहां से इसको डोनेट करने वाले पचास परसेंट तीन सालों तक ठीक है तो पचास परसेंट तीन सालों तक मतलब तो तीन साल में हमारा अमाउंट ये बन जाएगा तो दो 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 आठ पंजे चालीस तीन तीन तिया तीन सत्ताईस पंजे एक सौ तो पैंतीस ठीक है ये बन जाएगा वन थर्टी फाइव एम बन तो जाएगा वन थर्टी फाइव एम पर इंटरेस्ट कितना आया इंटरेस्ट आया नाइनटी फाइव एम इंटरेस्ट आया नाइनटी फाइव एम यहां से इंटरेस्ट कितना आया था यहां से इंटरेस्ट आया था वन हंड्रेड टेन एम इधर से आया नाइनटी फाइव एम तो कितना डिफरेंस आ गया डिफरेंस आ गया फिफ्टीन एम का फिफ्टीन एम का डिफरेंस एम का डिफरेंस आया जनाब जी तो कहते हैं 4500 का डिफरेंस है, so, ये 15 M की आ तीन सौ के बराबर M की आ गई तो हंड्रेड एम की वैल्यू क्या आ गई तीन का हंड्रेड टाइम्स यानी कि थर्टी थाउजेंड रुपीज थर्टी थाउजेंड रुपीज दट्स द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट ब्यूटी ऑफ द सोल्यूशन और आपको समझाने की पूरा एक सक्षम प्रयास किया मैंने कितने बच्चों को समझ में आया एक बार जरूर बताइएगा

एक पोर्शन तो ये था जिसमें वो आपसे चाह रहा था कि आप रेट निकाल लो ठीक है ना तो मुझे पता लग गया कि मेरा कितना है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से मुझे क्लियरली दिखाई गया कितना है? मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से मुझे पता लग गया कि कितना आ रहा है से मुझे पता लग गया मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट एक का ओवरऑल इंटरेस्ट आ रहा है

40 बाकी इस 40 को इन्वेस्ट कि इन्वेस्ट किया 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 कैसे पे 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 की वैल्यू यानी कि कितने टाइम के 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 लिए 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 सालों 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 ठीक है तो पहले साल पैसा वन बाय टू से बढ़ जाएगा वन प्लस वन बाई टू थ्री बाय टू हो जाएगा फिर वन प्लस तीन सालों में हमारा अमाउंट आएगा यहां से वन थर्टी फाइव एम तो इंटरेस्ट कितना आया 4735 95 एम का इंटरेस्ट आ गया इधर कितना इंटरेस्ट था 110 एम इधर कितना था 95 एम डिफरेंस कितना आया 15 एम डिफरेंस हमें 4500 दिया हुआ है यार एम की वैल्यू निकल गई एम की वैल्यू निकल गई तो 100 एम की निकल जाएगी वाह भाई वाह वाह भाई वाह पढ़ने कितने बच्चे आए हैं और लड़ने कितने बच्चे आए हैं चलो जी इस सवाल को उधेड़ने का प्रयास करेंगे सारे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है केशव मैं पीपी -पी के अंदर खेला नहीं ना मैंने मैंने पीपी -पी के अंदर खेला ही नहीं वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता इसलिए मैंने हंड्रेड मान के सिंपली सॉल्व कर दिया नहीं विवेक गलती कर रहा है भाई तू तो कोई ना कोई कोई ना कोई गलती कर रहे हो तभी ऐसा कर रहे ला एक बात बताओ एक बात बताओ कितने बच्चों को इस कॉन्सेप्ट का ज्ञान है कि कितने बच्चों को इस कॉन्सेप्ट का ज्ञान है कि डिस्टेंस जब बराबर होता है कितने बच्चों को इस कॉन्सेप्ट का ज्ञान है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम है ना सो so, यहां से आपको मिलेगा कुछ ऐसा ये क्या है यह कह रहा है कि जब डिस्टेंस बराबर होता है वेन डिस्टेंस इज सेम वेन डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट वेन डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है तब जो स्पीड की रेशो होती है उससे उल्टी रेशो टाइम की होती है जो वी वन वी टू रेशो है तो उधर से टी टू टी वन है टाइम की उल्टी रेशो होती है जब स्पीड डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड की रेशो से उल्टी रेशो टाइम की होती है मैंने कहा जी बिल्कुल सही कहा रहे आप। बिल्कुल सही सही कह कह रहे रहे हो हो आप तो ठीक है ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने सबसे पहली बात मुझे दिखाई दे रहा कि पहले पहले जो लग रहे थे सोलह घंटे लग रहे थे पहले सोलह घंटे लग रहे हैं कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करने में पहले सोलह घंटे लग रहे हैं कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करने में और बाद में वही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में वही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में चार घंटे लेस लग रहे हैं चार घंटे लेस लग रहे हैं यानी कि बारह घंटे लग रहे हैं मतलब टाइम की रेशियो क्या आ गई फोर बाय थ्री ये टाइम की रेशो है अगर टाइम की रेशियो फोर बाय थ्री है तो स्पीड की रेशियो क्या आ गई स्पीड की रेशो आ गई थ्री बाय फोर ये नो मैंने कहा जी सही बात है अच्छा पहले स्पीड क्या थी पहले तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड थी v प्लस एस नॉर्मल फिर कहता है कि हमने क्या कर दिया हमने क्या कर दिया हमने स्पीड ऑफ स्टिल वाटर को इंक्रीज कर दिया 25 परसेंट से 25 परसेंट से इंक्रीज कर दिया स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर को मतलब वन प्लस वन बाय फोर यानी कि फाइव बाय फोर कर दिया तो यह बन गई वैल्यू फाइव वी सही है और कहता है कि स्ट्रीम की स्पीड को ट्वाइस कर दिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल यानी कि इसको टू कर दिया बस ये रेशो आ गई आप सभी के सामने इधर से वी और एस के बीच का बड़ा प्यारा सा कनेक्शन आ जाएगा सबसे पहले नीचे एलसीएम ले लिया मैंने तो और फोर ऊपर चला गया तो फोर वी प्लस फोर एस और नीचे बन गया फाइव वी प्लस एट एस इज इक्वल टू थ्री बाय फोर चार चौक, 16, 3, 5, 5. 16, 5, 5 का डिफरेंस आ गया वी ठीक है चार चौक सोलह तीन अट्ठे चौबीस सोलह चौबीस का डिफरेंस आ गया एट एस ठीक है तो वी बाय एस की रेशो आ गई एट बाय वन वी बाय एस की रेशो आ गई एट बाय वन ठीक है ओके जी बढ़िया है जी हमें अभी शुरू में एक बात भी तो पता है कि टू एटी एट किलोमीटर जाना होता है ना तो सोलह घंटे लगते हैं ठीक है तो ये इसका अठारह बार कटेगा अठारह बार कटेगा मतलब वी प्लस एस की वैल्यू आ गई अठारह वी प्लस एस की वैल्यू आ गई अब अठारह और एस की रेशियो तो एट इस अगर मैं वी और एस की रेशियो एट इज वन है तो अगर मैं इसको एट करूंगा तो सोलह और दो आएगी वैल्यू ठीक बात है वी की वैल्यू सोलह आ गई एस की वैल्यू दो आ गई समझ रहे हो समझ रहे हैं v प्लस एस की वैल्यू 18 आ गई v माइनस एस की वैल्यू 14 आ गई तो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है एम और एन की वैल्यू निकालो और इनके बीच का परसेंटेज रिलेशन निकालो कहता है अपस्ट्रीम डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा इक्कीस घंटों में मतलब चौदह की स्पीड से इक्कीस घंटों में जो ट्रेवल होगा एम की वैल्यू ये है और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा 49 नाइन आवर्स मतलब 18 की स्पीड से 49 नाइन आवर्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ये m की वैल्यू है ये n की वैल्यू है इनकी आपस में रेशियो निकाल दो रेशियो निकाली सेवन का टू टाइम्स सेवन का सेवन टाइम्स ठीक है फिर सेवन से काटा थ्री टाइम्स तीन दूनी छे छे से काटा थ्री टाइम्स तो वन इज टू थ्री की रेशियो आ गई सवाल क्या है सवाल है कि एम इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ एन वन जो है वो थ्री का कितना परसेंटेज है थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंटेज मुश्किल था क्या बोल मेरे भाई तुम मल्टीप्लाई करके आंसर क्यों तुम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो यार जब परसेंटेज रिलेशन बताना है तो तुम मल्टीप्लाई करके एम और एन की एग्जैक्ट वैल्यू क्यों निकाल रहे हो लेंदी क्यों कर रहे हो और एन की आपस में रेशियो निकाल लो ना इजी हो जाएगा तुम काम बढ़ा देते हो मैं काम कम करने आया हूं ये आनंद होता है ये आनंद होता है परम आनंद होता है चलो एक क्वेश्चन है जिसको देख के मेजोरिटी बच्चा घबरा जाएगा और जो पढ़ने वाला बच्चा है वो जीत जाएगा उस सवाल को ये सवाल है पढ़ने वाला बच्चा जीत जाएगा इस सवाल को मैं सच बता रहा हूं कोशिश करो एक भरपूर कोशिश करो पच्चीस परसेंट समझ नहीं आया सुमित बेसिक्स कमज़ोर है भाई तेरे बहुत ज़्यादा मैथ हीरो कोर्स में नहीं आ रहे क्या आप लोग जब किसी वैल्यू को पच्चीस परसेंट बढ़ाते हो वन प्लस वन बाय फोर वो वैल्यू फाइव बाय फोर टाइम्स हो जाती है तो अगर कोई वैल्यू वी थी तो फाइव बाय फोर टाइम्स ऑफ वी हो जाएगी ऐसे हो जाएगा तो मुद्दा यह है कि मैं कैसे आपकी फेमिलियरिटी बिल्डअप कर दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ अब यह सवाल बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कहता है कि एक टैंक है जिसकी बात हो रही है एक टैंक है जिसकी बात हो रही है एंड वो कंटेनर जो यहां पे दिया गया है वो पाइप पी और क्यू से भरता है पी एंड क्यू पाइप पी एंड क्यू ये इधर से पानी चल रहा है इसके अंदर एक इधर से भी पानी चल रहा है तो कहता है कि पाइप पी उसको अकेला पंद्रह घंटों में भर देता है पाइप क्यू उसको अकेला तीस घंटों में भर देता है इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा थर्टी थर्टी बाय फिफ्टीन टू थर्टी बाय थर्टी वन मतलब ये दो यूनिट पानी भर रहा है एक यूनिट पानी भर रहा है मिलकर तीन यूनिट पानी भरा जाता है ठीक है तो थर्टी यूनिट पानी जो है भरने के लिए दोनों मिलकर दस घंटे लेने चाहिए आइडियली स्टेड so, टाइम जो सवाल में मेंशन किया गया ना कि भैया भर जानी चाहिए उसी को बोल रहा है है ये ठीक एक container, P Q, 15 और और तीस घंटों में भरते हैं इंडिविजुअली सुबह सुबह क्या हुआ एक पर्सन ने उसको भरना स्टार्ट किया पर एक टैंक में लीकेज थी जिसका उसको नहीं पता था तो वो स्टिपुलेटेड टाइम के हिसाब से मतलब दस घंटे में आके उसको बंद कर गया स्टिपुलेटेड टाइम के हिसाब से मतलब दस घंटे में आके उसको बंद कर गया ठीक है ही क्लोसेज बहुत पाइप एंड पी एंड क्यू दस घंटों में उसने बंद कर दिया पाइप पी एंड क्यू ठीक है आफ्टर दैट विद इन द नेक्स्ट थर्टी आवर्स द टैंक इज एम्प्टीड, अब सारा खेल लीक का है लीक को पहचानना पड़ेगा लीक ने पूरी की पूरी थर्टी यूनिट्स की कैपेसिटी कितनी देर में खाली करी इसका कौन बताएगा समझदार वाले समझदारों की शक्लें देखनी है एक बार कि वो जो लीकेज की बात हो रही है उस लीकेज ने पूरी की पूरी कैपेसिटी कितनी देर में खाली की थी जरूर बताइएगा जरा एक बार पूरी की पूरी कैपेसिटी एक्चुअली कितनी देर में खाली कर दी उस लीक ने उस पूरी की पूरी लीक ने कितनी देर में पूरी कैपेसिटी खाली कर दी कई बच्चे बोलेंगे थर्टी आवर्स में बट मेरे को एक बात बताओ जब पीओर क्यू चल रहे थे तब भी तो लीक ऑपरेट कर ही रहा था तो वो दस घंटे भी खाली करता है लीक जो है ठीक है अब नेक्स्ट डे क्या हुआ नेक्स्ट डे ही रिपीट द सेम प्रोसीजर सुबह आया ऑन किया बट अपॉन चेकिंग आफ्टर द स्टिप्युलेटेड टाइम दस घंटे के बाद जब उसने चेक किया ही फाइंड दैट द टैंक इज अनफिल्ड रियलाइजिंग देर इज अ लिंक ही प्रॉम्प्टली रिपेयर इट टाइम टेकन टू फिल द रिंग टैंक तो सबसे पहले दस घंटे तक क्या होता रहा दस घंटे तक क्या होता रहा दस घंटे तक दो यूनिट ऐसे चलता रहा तो ओवरऑल क्या हुआ टू पॉइंट टू फाइव यूनिट पानी ही भरा गया टू पॉइंट टू फाइव यूनिट पानी ही भरा गया दस घंटों में यानी कि बाईस पॉइंट पांच यूनिट पानी ही भरा गया दस घंटों में थर्टी में से थर्टी में से बाईस पॉइंट पांच गया बचा कितना सेवन पॉइंट फाइव यूनिट पानी अब बचा रिमेनिंग टैंक है सेवन पॉइंट फाइव यूनिट और अब इस रिपेयर को हमने कर दिया ठीक रिपेयर को इसको कर दिया हमने ठीक तो अब ये तीन यूनिट पानी भरा जाएगा तीन यूनिट पानी भरा जाएगा तो बचा हुआ टैंक ढाई घंटों में भरा जाएगा टू पॉइंट फाइव आवर्स में भरा जाएगा बचा हुआ टैंक नाउ द टाइम टेकन टू फिल द रिमेनिंग टैंक इज ढाई घंटे टू पॉइंट फाइव आवर्स किसी का आंसर आया था ये था इमेजिनेशन वाला सवाल और सोलूशन देखो कितना सा था इसका स्टक हुआ सर जी स्टक तो नहीं हुआ भाई रिफ्रेश कर लो एक बार कोई बात नहीं हल्की फुल्की हो जाता है कभी, -कभी। ग्लिची पिलीची आ जाता है हल्का फुल्का कभी कभी देखो एक सिंपल सी बात है एक सिंपल सी बात है समझते चलो एक सिंपल सी बात को अगर तुम चाहते हो ये 0.75 ना मानू मैं तो तुम डेसिमल एलिमिनेट करने के लिए इसको 120 भी मान सकते हो ठीक है ऐसा भी कर सकते हो ठीक है क्योंकि 40 आर्स तो आएगा आए ही आएगा आपको दिख रहा है कि 15 और 30 15 और 30 15 और 30 दोबारा बताता हूं सुनो सारा क्वेश्चन दोबारा बताता हूं सुनो सुनो बहुत अल्टीमेट सवाल है मैं चाहता हूं हर एक बच्चा मुझे सीधा सीधा बोले कि सर समझ आ गया बस मैं यही चाहता हूं और मेरी कोई लालच है ही नहीं पंद्रह घंटों में यह टंकी भरता है तीस घंटों में यह टंकी भरता है ठीक है ये पानी भर रहा है ये पानी भर रहा है कोई एक लीक भी है वहां पे जो प्रेजेंट है जो पानी खाली कर रहा है और हमें नहीं पता वो कितना समय लेगा ठीक है हमने शुरू में देखा मान लो हमने शुरू में देखा मान लो इनकी एलसीएम थर्टी आ गया इधर वैल्यू टू आ गई इधर वन आ गई टू प्लस वन थ्री होता है थर्टी बाय थ्री मतलब दस घंटे पता लग गया मेरे को दस घंटे में टंकी भर जानी चाहिए थी अगर लीक ना होता तो अगर लीक कैसे निकाला ना कैसे निकाला इन दोनों का एलसीएम थर्टी या टू या वन टू प्लस वन थ्री थर्टी बाई थ्री टेन आ गया ना तो कहते हैं कि अगर कोई लीक ना होता जो कि हमारे प्यारे से भोले भोले भाले इस इंसान को पता ही नहीं था कि हमारे कंटेनर में कोई लीकेज है तो वो तो इन्हीं दोनों के हिसाब से दस घंटे बाद आया चेक करने दस घंटे बाद आया दोनों टूटी बंद कर गया देखा ही नहीं कि होल है टैंक में कंटेनर में होल है देखा ही नहीं दोनों टूटी बंद कर गया उस टूटियों को दोनों नलों को बंद करने के तीस घंटे बाद टंकी पूरी खाली हो गई इन दोनों ने अपनी तरफ से तो पूरी भरी ना इन दोनों ने अपनी तरफ से तो पूरी भरी ना वो पूरी भरी हुई खाली कितनी देर में हुई शुरू के दस घंटे बाद के तीस घंटे चालीस घंटों में पूरी टंकी खाली हुई तो उस लीक ने चालीस घंटों में पूरी टंकी खाली कर दी ठीक है तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 120। इधर आठ यूनिट पानी भरा जाता है इधर चार यूनिट पानी भरा जाता है और इधर कई तीन यूनिट पानी निकाला जाता है ठीक है तो अगले दिन भी कुछ ऐसा ही दुस्साहस हुआ अगले दिन भी कुछ आठ प्लस चार बारह माइनस तीन नौ अगले दिन फिर से वही कहानी दोबारा रिपीट हुई बट इस बार जैसे टाइम पूरा हुआ इस बार क्या हुआ जैसे ही दस घंटे पूरे हुए क्योंकि देखोगे ना आठ प्लस चार बारह होता है एक सौ बीस बटे बारह कितना हो गया दस घंटे जैसे ही दस घंटे पूरे हुए ना दस घंटे पूरे होते ही उसने लीक को रिपेयर कर दिया तो दस घंटे तक तो इन्होंने पानी भरा इन सब ने मिलकर लीक के साथ तो नौ यूनिट पानी दस घंटों तक भरा गया नब्बे यूनिट पानी भर दिया गया एक सौ बीस माइनस नब्बे बचा हुआ तीस यूनिट पानी भरा गया कब लीक को रिपेयर कर देने के बाद यानी कि यह अब नहीं रहा आठ प्लस चार बारह बारह यूनिट पानी हर घंटे भरा गया सो अब ये बची हुई टंकी ढाई घंटे में भर जाएगी देखो मैं तो सिखाने आया हूं और सिखा के भेजूंगा ये मेरी गारंटी है ठीक है एक प्यारी सी डीआई तुम्हारा इंतजार कर रही है बहुत ही ऐसा नहीं है बहुत ही डिफिकल्ट बहुत ही टफ लेवल की डी है नहीं शुरुआत कर रहा हूं बेसिक से तो बेसिक टाइप की ही डी है मुश्किल नहीं है मेरे पे विश्वास रखना रीडिंग लो ये डी है ये इसका आपके सामने इसका टेबल है फोकस के साथ रीडिंग लेना जल्दी से पहले इस पेज की रीडिंग लेंगे सारे बच्चे सर 40 कैसे आया दस घंटे पहले जो स्टिपुलेटेड टाइम था दस घंटे उस दौरान भी लीक चल ही रहा था ना और बाद में जो एक्स्ट्रा तीस घंटे हैं उस दौरान अकेला लीक चल रहा था पहले दोनों टैब्स के साथ लीक चल रहा था बाद में अकेले तीस घंटे लीक चल रहा था तो टोटल चालीस घंटे लीक चला उस टंकी को खाली करने के लिए इसके ऊपर ना इतनी सी कई बच्चे कहते सर आपको कैसे पता टंकी भरी थी सॉरी टंकी भर गई थी आपको कैसे पता लीक ने सारी की सारी टंकी खाली करी है चालीस घंटे में आपको कैसे पता कई बच्चे ऐसे बोलते हैं मेरे को एक बात बताओ समझदार बच्चे हो तुम। हो तुम ना समझदार बच्चे जो हमारी ये टंकी है जो हमारी टंकी जो पानी चल रहा था गया शुरू के दस घंटों के अंदर आठ प्लस चार बारह 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 का दस गुना एक सौ बीस एक सौ बीस पानी इन दोनों टैप्स में तो में से तो निकला है ना अब वो टंकी में नहीं गया लीक से बाहर निकल गया तो एक सौ बीस यूनिट पानी वही निकाला ना लीक ने भी बाहर तो ये कॉमन सेंस है ये तो कॉमन सेंस है ये तो सेंस ऑफ सेंस ऑफ कॉमन स्ट्रेंथ है बच्चों मैं सिखाने आया हूं सिखा के जाऊंगा सेशन को रगड़ के दोबारा देखना अगर और अच्छे से सीखना चाहते हो तो ये कहता है कि आपको एक टेबल दी गई है जिसमें छ यूनिवर्सिटीज का जिक्र है यूनिवर्सिटीज के नाम है ए बी सी डी एफ एंड दे रिसीव अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन एस ए का मतलब है स्टूडेंट एप्लीकेशन जो उसने उन्होंने रिसीव की है आउट ऑफ विच समीकेशन आर एक्सेप्टेड मीन ए एक्सेप्टेड एप्लीकेशन ओके एंड अदर्स आर रिजेक्टेड मीन्स रिजेक्टेड एप्लीकेशन मैंने कहा जी ये भी ओके स्टूडेंट एप्लीकेशन मीन टोटल से कुछ है एक्सेप्टेड एप्लीकेशन कुछ है रिजेक्टेड एप्लीकेशन अमंगस जो एक्सेप्टेड एप्लीकेशन है उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को फुल स्कॉलरशिप मिली है और कुछ को पार्शियल स्कॉलरशिप मिली है ठीक है तो इसका चार्ट समझो सबसे पहले इसका चार्ट समझो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट एप्लीकेशंस हमारे पास रिसीव हुई हैं स्टूडेंट एप्लीकेशंस में से कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई हैं रिजेक्टेड एप्लीकेशंस और कुछ एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो गई हैं एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस ठीक बात है डंडन दंदन। उसके बाद जो एक्सेप्ट हुई हैं इनमें से कुछ को मिली है एफ और कुछ को मिली है पी एफ एस माने फुल स्कॉलरशिप फुल स्कॉलरशिप और पी एस माने पार्शियल स्कॉलरशिप ठीक है ये स्ट्रक्चर चल रहा है आप सभी के सामने ठीक है ये स्ट्रक्चर चल रहा है ठीक है ये दो चीजें हैं, तो अपने को ये बताया गया है कितनी स्टूडेंट एप्लीकेशन आई है उसमें से कितनी रिजेक्ट हो गई हैं ये बता दिया है और उसके बाद पार्शियल स्कॉलरशिप कितने को मिली है ये बता दिया गया ठीक है तो ये बड़ा आधा अधूरा सा डेटा है मुझे दिखाई दे रहा है बड़ा आधा अधूरा सा डेटा है मेरे को एक बात बताओ पता क्या क्या चल रहा है पता क्या क्या चल रहा है ये स्टूडेंट एप्लीकेशन है ये पता लग रहा है उसके बाद रिजेक्टेड पता है तो एक्सेप्टेड भी पता लग जाएगी क्या एक्सेप्टेड एप्लीकेशन कितनी होंगी अगर टोटल में से चार सौ रिजेक्ट हो गई तो आठ सौ एक्सेप्ट हो गई होंगी यहाँ नहीं बता सकते हम हज़ार में से चार सौ रिजेक्ट हो गई तो छः सौ एक्सेप्ट हो गई होंगी बारह सौ में से चार सौ अस्सी रिजेक्ट हो गई तो बाकी बची हुई सात सौ बीस एक्सेप्ट हो गई होंगी यहाँ नहीं पता हमें आठ सौ में से यहाँ नहीं पता हमें सही है बढ़िया नहीं पता तो अब जो एक्सेप्ट हुई हैं उसमें से कुछ को पार्शियल स्कॉलरशिप दे दी होगी और कुछ को ये तो पार्शियल स्कॉलरशिप हो गया एक पार्शियल के अलावा क्या था फुल स्कॉलरशिप ना एफ था ना एफ था हाँ पार्शियल स्कॉलरशिप नहीं है उसके बाद एफ है फुल स्कॉलरशिप दे दी अभी फुल स्कॉलरशिप देखो 800 एक्सेप्ट हुई हैं 800 में से दो सौ चालीस गया बा, बाकी बचा 560 को फुल स्कॉलरशिप मिली होगी यहाँ नहीं पता हमें 600 में से 320 को पार्शियल मिली है तो बाकी बची 280 को फुल मिली होगी 720 में से 600 को पार्शियल मिली है तो 120 को फुल मिली होगी ठीक है तो ये चल रहा है ये चल रहा है जी इतना हमें ज्ञान है इतना हमें आइडिया है और इतना हमें तरीका बता क्लियर है बॉस क्लियर है कि नहीं है क्या इसके अलावा कुछ और भी हम देख सकते हैं इसके अंदर क्या इसके अलावा कुछ भी और देखा जा सकता है क्या बोलो 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 क्या इसके अलावा कुछ भी और देखा जा सकता है क्या बताओ है तो बताओ है तो समझाओ नहीं तो डन लिख दो सर ये सेशन क्या रोज होगा क्या रोज होगा तो प्री वाले तो फिर बच्चे ही रुल पुल जाएंगे बेचारे रोज आप संभाल भी नहीं पाओगे बच्चे ऐसा सेशन हमें एक बैलेंस बनाना है हफ्ते में दो दिन ऐसा सेशन होगा वीक में दो दिन ऐसा सेशन होगा जो मेंस फ्रॉम बेसिक का होगा और बाकी टाइम पे हम अर्थ और टॉपिक्स को भी कवर करेंगे जो कि हमारे अलग अलग चैप्टर्स के होंगे प्री डीआई अभी मैंने यही तो सिखाया रोज रोज कर भी लोगे फायदा क्या उस चीज का प्री कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा प्री निकलेगा नहीं तो मेंस में क्या करोगे बैठ पाओगे कभी प्री नहीं निकलेगा तो हमें एक होल प्रिपरेशन बैलेंस करनी है होल प्रिपरेशन ऑल टाइम मेंस इज अ प्रॉब्लम ऑल टाइम प्री इज आल्सो अ प्रॉब्लम बैलेंस इज द सॉल्यूशन आई थिंक आप लोग जो मुझे सजेशन दे रहे हो आप सबसे बेहतर तो मैं जानता हूं ना कि आप सभी के लिए क्या जरूरी है तो कृपया करके पढ़ाई करिए ठीक है तो ये नोट कर लिया आप सभी ने इसका पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा जल्दी से तोड़ेंगे सवाल को ध्यान से करना Sir, Dhodin pre-arithmetic record done a boss. If the number of accepted application in university B is hundred more than university F and the rejected applications in सिटी बी एंड एफ टूगेदर इज सिक्सटी मोर देन पार्शल स्कॉलरशिप इन यूनिवर्सिटी बी एंड एफ टूगेदर वाह भाई वाह मजे आगे यही तो करवाना चाहता है वो तुमसे यही तो वो तुमसे करवाना चाहता है यही, तो यही चीज तो वो करवाना चाहता है तो मैंने तो फोटो खींच ली थी भैया डेटा की तुमने नोट डाउन कर लिया उम्मीद करता हूं सो so क्वेश्चन ऐसा है कि हमसे पूछा क्या है सबसे पहले इस पे आएंगे हम हमें चाहिए रिजेक्टेड एप्लीकेशन बी की और हमें चाहिए रिजेक्टेड एप्लीकेशन ही ए की ठीक है यही रिक्वायरमेंट है ना फाइंड द नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन इन यूनिवर्सिटी बी इज वट परसेंटेज मोर और लेस देन दैट ऑफ यानी कि रिजेक्टेड एप्लीकेशन इन यूनिवर्सिटी ए तो सबसे पहली बात रिजेक्टेड एप्लीकेशन इन ए तो अपने पास है ये वैल्यू तो अपने पास है फोर हंड्रेड सारा का सारा फोकस किस पे है रिजेक्टेड एप्लीकेशन बी निकालने पे तो ऊपर जितना भी डेटा है वो रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ बी निकालने पे है ठीक है रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ बी बी के अंदर अपने पास है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन है 800 जिसमें से कुछ तो हुई होंगी एक्सेप्टेड और कुछ हुई होंगी रिजेक्टेड ठीक है और जो एक्सेप्टेड हुई होंगी उसके अंदर हम जानते हैं कुछ को मिली होगी पार्शियल स्कॉलरशिप किसी को मिली होगी फुल स्कॉलरशिप ठीक है ये चल रहा होगा अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम रखते हैं इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है कहता है कि एक्सेप्टेड एप्लीकेशन इन ए एक्सेप्टेड एप्लीकेशन इन ए सॉरी एक्सेप्टेड एप्लीकेशन इन बी इज हंड्रेड मोर देन दैट इन यूनिवर्सिटी एफ यूनिवर्सिटी एफ की भी एक्सेप्टेड एप्लीकेशन है नहीं अपने पास तो अभी तो ये लाइन का कोई मतलब नहीं हुआ फिर कहता है कि रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ बी एंड एफ टूगेदर एंड द नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ बी एंड एफ टूगेदर रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ बी एंड एफ टूगेदर आर 60 मोर देन पी एस ऑफ बी एंड एफ टूगेदर तो ये काम की चीज है सिक्सटी मोर देन बी एंड एफ पी एस कितनी है पार्शियल स्कॉलरशिप बी और एफ की कितनी है पार्शियल स्कॉलरशिप बी और एफ की है वन सिक्सटी एंड टू फोर्टी 160 240 ये है बी एंड एफ की पार्शियल स्कॉलरशिप्स यानी कि 400 400 है बी एंड एफ की पार्शियल स्कॉलरशिप उनसे 60 ज्यादा कर दो यानी कि 460 क्या है 460 सम ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशंस ऑफ बी एंड एफ सम ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशंस ऑफ बी एंड एफ तो बी एंड एफ की रिजेक्टेड एप्लीकेशंस के बारे में हमें बता दिया कि कितना ओके okay जी ऊपर बता दिया एक्सेप्टेड एप्लीकेशन का डिफरेंस नीचे बता दिया रिजेक्टेड एप्लीकेशंस का डिफरेंस मैंने कहा पूरी मौज है जी पूरी मौज है तो अब समझो ध्यान से ठीक है समझो पूरे फोकस के साथ आप मान लो कि यहाँ पे जो एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस है मान लो यहाँ पे x हैं तो यहाँ पे 800 x होंगी ठीक है ऐसा हो जाएगा और वहीं पे f के अंदर अगर आप देखोगे f के अंदर टोटल 800 हैं अगर उधर एक्सेप्टेड y हैं तो यहां पे कितनी हो जाएंगी यहां पे हो जाएंगी एट हंड्रेड माइनस वाई ऐसे दे दिया कहता है एक्सेप्टेड ऑफ बी इज हंड्रेड मोर देन एफ मीन एक्स माइनस वाई इज हंड्रेड ये बता दिया आपको और फिर आगे कहता है कि रिजेक्टेड ऑफ बी एंड एफ टुगेदर इज फोर सिक्सटी रिजेक्टेड ऑफ बी एंड एफ टूगेदर इज फोर सिक्सटी तो इन दोनों का सम करो इन दोनों का सम कितना आ रहा है सोलह सो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर सिक्सटी ये आ गई वैल्यू तो इधर से पता चल गया एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई ग्यारह सौ चालीस अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए तो इनको जोड़ दो टू एक्स की वैल्यू बारह सो चालीस एक्स की वैल्यू छ सौ बीस आ गई एक्स की वैल्यू छ आ गई तो यह वैल्यू छ आई तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी एक सौ अस्सी आ जाएगी और ये वैल्यू एक सौ अस्सी आ गई तो कह रहे फाइंड एक सौ अस्सी इज वट परसेंटेज मोर और लेस देन चार ठीक है तो ये इससे कितना लेस एक सौ अस्सी कितना लेस है इससे दो सौ बीस लेस है तो दो सौ बीस चार सौ का कितना होता 220, 400 का परसेंटेज होता है दो सौ बीस चार सौ का पचपन परसेंटेज होता है आंसर इज ई ऑप्शन कितने बालक पहुंच गए थे जरा मुझे बताना साठ परसेंट तो मैंने बहुतों का देखा था पचपन परसेंट तक कोई पहुंचा था क्या वाह वाह मौज कर दी आप लोगों ने तो पहले सवाल में ही मौज कर दी आप लोगों ने तो पहले सवाल में ही मौज कर दी चलो जी फोकस है तो समझो नहीं है तो और ध्यान से समझो 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 ध्यान से समझना हमारे पास जो डेटा है सुन दोबारा से बताता हूं बी और एफ के बारे में बात हो रही है बी और एफ की जो टोटल है ना वो 800 800 आठ है टोटल में से कुछ एक्सेप्टेड होंगी टोटल में से कुछ रिजेक्टेड होंगी ठीक है समझते जाना टोटल में से कुछ एक्सेप्टेड होंगी टोटल में से कुछ रिजेक्टेड होंगी तो 1600 टोटल है हम जानते हैं और अभी हमने देखा कि बी एंड एफ की रिजेक्टेड कितनी है बी एंड एफ की रिजेक्टेड मिला के सुनना बी एंड एफ की रिजेक्टेड मिला के 60 ज्यादा है किससे पार्शियल स्कॉलरशिप बी एंड एफ टूगेदर से पार्शियल स्कॉलरशिप ऑफ बी एंड एफ इज टूगेड उससे ज्यादा यानी कि तो रिजेक्टेड रिजेक्टेड टोटल टोटल आ आ गई 460. आ गई 460. सही बात है बहुत ही बढ़िया और रिजेक्टेड टोटल आ गई फोर सिक्सटी तो मैं यहां पर कह सकता हूं यहां पे कह सकता हूं सोलह सौ में से चार सौ साठ गया इधर आ गई ग्यारह सो चालीस ये भी ठीक है और फिर उसके बाद कहते हैं कि बी की एक्सेप्टेड सो ज्यादा है बी की एक्सेप्टेड सो ज्यादा है एफ की एक्सेप्टेड से ठीक है तो अगर ये वैल्यू के है तो इससे ये सो ज्यादा मतलब के प्लस हंड्रेड है ठीक है ऐसा है बी की एक्सेप्टेड सो ज्यादा है एफ की एक्सेप्टेड से तो सम कर दो इसका यू विल गेट टू के प्लस हंड्रेड की वैल्यू आ गई ग्यारह सो चालीस टू के की वैल्यू आ गई एक हजार चालीस के की वैल्यू आ गई पांच सौ बीस के की वैल्यू अगर आ गई पांच सौ बीस ठीक है तो ये वैल्यू तो आ गई 520 ये वैल्यू आ गई 520 सौ बीस प्लस सौ ये वैल्यू आ गई 180 और ये वैल्यू कितनी आ गई 280 ठीक है तो हमें क्या चाहिए थी हमें चाहिए थी ये वाली वैल्यू 180 जो है इसकी बात हो रही है ये जो 180 है ये कितना प्रतिशत ज्यादा और कम है किससे रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ ए रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ एस चार चार सौ से ये दो सौ बीस कम है और दो सौ बीस चार सौ का कितना परसेंटेज है दो सौ बीस चार सौ का पचपन परसेंटेज होता है क्लियर है बॉस कि नहीं है जल्दी बता दो फिर आगे बढ़े लक्ष्य अभी अभी खत्म हुआ है ना पहले वाले खत्म कर लिए सारे तूने पहले वाले सारे खत्म कर लिए तूने पहले वाले खत्म भी करो और नया बैच तो आएगा ही ऑब्वियसली भाई मेरे क्यों टेंशन ले रहा है तो, तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो बेल आइकन पे क्लिक जरूर करो नजारे 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 मेंस के नजारे चलो आगे बढ़ते हैं ये सवाल अपने आप में और एक बेहद सुंदर प्रकृति वाला सवाल ओहो इसको क्या आपको वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही देख कि परफेक्ट लेवल है बिल्कुल परफेक्ट लेवल है शुरुआत करने के लिए ना ज्यादा कठिन ना ज्यादा आसान एक बेसिक नॉलेज को पकड़ने के लिए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आज पूरी क्लास में ही ऐसा है एकदम परफेक्ट मजा आ गया बच्चों सवाल पढ़ के ही मजा आ गया देखो ध्यान से हमें हमारी जरूरत क्या है इसकी तरफ ध्यान लेके जाओ सबसे पहले ठीक है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन इन ऑल द यूनिवर्सिटीज टूगेदर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन चाहिए हमारे पास ए से लेके एफ तक सारी वैल्यूज हैं सिवाय ई के ए से लेके एफ तक सारी वैल्यूज हैं सिवाय ई की टोटल स्टूडेंट एप्लीकेशन के ठीक है और अभी तक की वैल्यूज हैं कितनी दो हजार दो हजार एक पांच हजार है अभी तक हमारे पास वैल्यूज है पांच हजार प्लस ई की वैल्यू और आ जाए तो टोटल हमें पता लग जाएगा कितनी है वैल्यू ठीक है ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता इन तीनों में से ही कोई आंसर आएगा ठीक है इन तीनों में से ही कोई आंसर आएगा टोटल स्टूडेंट एप्लीकेशंस बतानी है हमने कितनी है अब उसके लिए इसने बहुत कुछ ऐसे तिगड़म दिया हुआ है उस तिगड़म को सिंप्लीफाई करना है हमने बस और कुछ भी नहीं सबसे पहले स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ डी एंड ई टूगेदर स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ डी एंड ई टूगेदर मतलब इस वैल्यू को आप एक्स मान सकते हो एक्स ही मान लो ठीक तो e मतलब है तो डी एंड ई टूगेदर मतलब बारह सो प्लस एक्स कहते ये वैल्यू जो है ना इज ट्वाइस ऑफ एफ एस ट्वाइस ऑफ फुल स्कॉलरशिप ऑफ ए सी एफ टूगेदर अब ए की फुल स्कॉलरशिप है 560, सी की फुल स्कॉलरशिप है 280, बट एफ की फुल स्कॉलरशिप नहीं है अपने पास अभी तो इसका इस लाइन से हाँ कहानी बनेगी बट हमें पहले ये ए सी एफ को क्लियर करना पड़ेगा ए सी तो है एफ नहीं है फुल स्कॉलरशिप तो या तो एफ आ गया तो बस बल्ले बल्ले है जी पहले फिर एफ की तरफ देखते हैं और क्या डेटा दिया हुआ फिर कहते हैं रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी बी इज फाइव एट्थ लेस देन जब फाइव एट लेस देन होता है मतलब थ्री एट होता है तो बी की रिजेक्टेड एप्लीकेशन अगर आपको निकालनी है

ये टोटल स्टूडेंट एप्लीकेशन है जिसमें से कुछ एक्सेप्टेड होंगी कुछ रिजेक्टेड होंगी रिजेक्टेड एप्लीकेशन की वैल्यू 150 है बाकी वैल्यू 650 हो जाएगी ऑब्वियसली एक्सेप्टेड की और एक्सेप्टेड का ही फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होगा आगे पार्शियल स्कॉलरशिप फुल स्कॉलरशिप ठीक है और बी की बात हो रही है ऑब्वियसली ये तो बी के अंदर 160 तो है पार्शियल स्कॉलरशिप 160 इसमें से घटाओगे तो 490 आ जाएगी फुल स्कॉलरशिप ठीक है तो ये डेटा आपके पास निकल के आ रहा है ठीक है ऐसा चल रहा है वह भी वाह मजे आगे मजे आगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं कहते हैं नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ एफ जो कि बहुत काम की चीज है वो आ गया तो सब खत्म हो जाएगा रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ एफ सिक्सटी परसेंट मोर देन द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल स्कॉलरशिप ऑफ ई एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ बी तो पार्शियल स्कॉलरशिप ऑफ ई कितना है पार्शियल स्कॉलरशिप ऑफ ई है फोर हंड्रेड ठीक है एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ बी कितना है? है रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ बी कहता है कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज कितना आएगा टू फिफ्टी और इस टू फिफ्टी से सिक्सटी परसेंट ज्यादा सिक्सटी परसेंट मोर देन दिस वैल्यू इसका सिक्सटी परसेंट कितना होगा पच्चीस छिके डेढ़ सौ

फुल स्कॉलरशिप ऑफ एसीएफ टुगेदर कितना है एसीएफ टुगेदर फुल स्कॉलरशिप तो ए की फुल स्कॉलरशिप है 560 सी की फुल स्कॉलरशिप है 280 और एफ की फुल स्कॉलरशिप कितनी आई है एफ की फुल स्कॉलरशिप आई है 160 इनका सम करो जरा कितना आ रहा है 800 और 200000 हजार हजार आ रहा है इनका सम 1000 आ रहा है सम इनका सो तो 1000 इनका सम आ रहा है तो वन थाउजेंड से ट्वाइस वन थाउजेंड का ट्वाइस करने पे आपको ये वैल्यू मिलेगी यानी दो हजार तो एक्स की वैल्यू आ गई आठ सौ एक्स की वैल्यू आठ सौ आ गई तो पांच हजार प्लस आठ सौ यानी कि टोटल आ गए अट्ठावन सो ई ऑप्शन ब्यूटी 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 एकदम भ्यूची वाला सवाल था मजा आ गया आनंद आ गया पूरे हो गए मजे आ गए आ रही है क्वालिटी देख के इसके दो क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं मैं तुमको एक तो सबसे आसान सवाल इसका आंसर तो कोई भी बता देगा बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एफ एस ऑफ ए सी टूगेदर एंड ए एफ सी डी टूगेदर सारी वैल्यूज है डिफरेंस बताना है बच्चों वाला सवाल है ये सवाल काम का है इसको एक बार आप सभी के सामने में रखना चाहूंगा वो कहता है एवरेज नंबर ऑफ एस ऑफ डी ई इतना है ठीक है तो ऑब्वियसली एक वैल्यू है दूसरी निकल जाएगी एफ एस ऑफ इज मोर देन दिस आर एज मोर देन वन ट्वेंटी डिफरेंस क्योंकि इसने बोला मोर देन वन ट्वेंटी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल डिफरेंस और ये सब चीजें आपके सामने हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व करना फिर मैं इसका सॉल्यूशन ना फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा ठीक है

अभी तो शुरुआत हुई है अभी तो आगाज हुआ है इस जबरदस्त सीरीज का मेंस बेसिक से कोई ज्यादा बहुत डिफिकल्ट या बहुत कॉम्प्लिकेटेड या ऐसा कुछ आज नहीं पढ़ाया गया जो समझ ना आता हो सब ऐसा पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट से जुड़ता पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट को समझाते हुए पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट पहले एक्सप्लेन किया गया ताकि वो चीज समझ आए ऐसे ही आगे बहुत लंबा चलने वाले हैं हम बहुत ही खूबसूरत पहले ही बता रहा हूं हफ्ते में दो क्लासेस ऐसी होंगी ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा कि रोज क्लासेस होंगी क्योंकि उसका बनता ही नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है एक तरफा होके बहुत बच्चों ने अपनी बैंकिंग की तैयारी का सत्यानाश कर दिया पिछले साल मैंने बताया था आपको फाइव मिस्टेक्स में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्री 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 पढ़ते रह गए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेंस मेंस मेन्स में उलझे रह गए दोनों में से एक ही तरफ अच्छा कर गए पेपर या एक ही तरफ नहीं दोनों तरफ अच्छा करने का है तो वो ठीक कराऊंगा तुम्हारा बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल गलत रास्ते पर चले गए गलत तरह के सवाल सॉल्व करते रहे उनको पेपर देके पता चला कि फालतू के इलेवेंट क्वेश्चन कुछ भी बनाए जा सकते हैं एल्जेबरा के कितने भी घटिया से घटिया टाइप बनाए जा सकते हैं नंबर सिस्टम का एसएससी का कुछ भी उठाया जा सकता है पेपर में क्या आ रहा है वो समझना जरूरी है इसलिए तो सिलेक्शन होते हैं यहां पे क्योंकि मैं वो चीज आपको सही तरीके से पढ़ाता हूं जो सच में एग्जामिनेशन में आती है तो गलत और इेलिवेंट टाइप्स नहीं मुद्दे के सवाल जो पेपर में आ सकते हैं सिर्फ उतने ही सवाल जितना आ सकता है कोई फालतू के टाइप्स नहीं ठीक है तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी आज की क्लास की और इसी के साथ ही आप में से जैसे बच्चे ने यस yes, मॉक नहीं लिया हुआ यस yes, मॉक ले लेना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं मुझसे बेसिक से सीखना चाहते हैं आपकी कॉल है अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं मेरी अकेले की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है उधर जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए और अगर आप सबसे पढ़ना चाहते हैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जी सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आइए पढ़िए और अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पर लेके जाइए ठीक है ये सब चीज़ें जो आपने देखी मॉक टेस्ट होगी क्लासेज होगी ये सब हमारे साथ होता है ठीक है हम देख रहे हैं मॉक टेस्ट भी हम देख रहे हैं सभी, सभी के सभी एजुकेटर मिलकर अपना अपना सब्जेक्ट देख रहे हैं क्लासेस भी सब टीचर अपनी तरफ से पूरा जोर लगाए हुए हैं तो आओ सीखो अपना हर सेक्शन मजबूत बनाओ अगर आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है अगर आप एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन सिर्फ मेरी लेना चाहते हो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड बता रहा हूँ वो इस्तेमाल कीजिएगा ताकि मैं आपको ट्रैक कर सकूँ टी टी वन जीरो ये डिस्काउंट कोड लगाना है आपने मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इससे मिल जाएगा चाहे कोई भी सब्सक्रिप्शन आप यस ऑफिसर पे ले रहे हो या फिर यस मॉक पे ले रहे हो टी टी वन जीरो कोड लगाओ ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाए ठीक है गुड बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू सेशन को लाइक कीजिएगा पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा एक कॉमेंट जरूर छोड़िएगा कि कैसी लगी आपको एक क्लास में पढ़ के बड़ा खुश होगा अगर आपको अच्छी लगी तो और खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा अगर आपने कुछ कमी बताई तो टेक केयर